आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो किसान है पूरे भारत का, वो उत्तर प्रदेश सहित हर जगह पे आंदोलनरत है। उसका कारण ये है कि ये भाजपा सरकार किसानों के भविष्य को भी कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के हाथ गिरवी रखने का काम कर रही है। मंडियों को समाप्त किया जा रहा है, एमएसपी को समाप्त किया जा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने कि किसानों को उचित मूल्य मिले इसलिए एमएसपी निर्धारित कर दिया। और इस एमएसपी का निर्धारण, एमएसपी का मतलब होता है कि धान का मूल्य सरकारी कुछ और चाहे वो गेहूं का मूल्य हो, वो सरकारी रेट तय कर दिया जाता है और उसी पे मंडियां भी खरीदती हैं, कुछ सरकारी एजेंसियां भी खरीदती हैं। लेकिन जब ये मंडियां ख़त्म कर दी जाएंगी, एमएसपी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो आखिर ये फिर हम लोगों को जो इनको मूल्य मिलता है, उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति हमसे और आपसे 15 रुपया किलो गेहूँ 14 रुपया किलो गेहूँ ले जाएंगे और 40 रुपया 45 रुपया किलो बड़े बड़े मॉल में बेचने का काम करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब पंजाब की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कानून पास किया, उन्होंने कहा कि एमएसपी से कम रेट पे अगर कोई भी खरीदारी करता है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो, चाहे प्राइवेट आदमी हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, तो उसको सज़ा मिलेगी। 3 साल के सज़ा का प्राविधान उन्होंने किया और जुर्माने का प्राविधान किया। किसान यही तो दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, यही तो मांग कर रहा है कि आप काले कानून जो ले आए हैं, इस कानून को रद्द करिए, नहीं तो उसमें एक चीज़ जोड़ दीजिए कि एमएसपी से कम रेट पर अगर खरीदारी होगी तो वो उद्योगपति हो चाहे सरकारी एजेंसियां हो, उनको 5 साल की सजा दी जाएगी।